जी पहले इसको देखिए, इस बैटर्स रिकवर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने इसकी एंट्री पास की थी बैंक डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट, कितनी अमाउंट। अब हमने कहा बैंक में जाकर 5,000 ऐड हो जाएगा, और ये जो बैड डेट्स की अमाउंट है इसके दो तरीके हैं, एक या तो वो फार्मूले में ले जाए, नंबर टू या इसको अदर इनकम में लिखते हैं। ये दो मेथड्स हैं। अब हमारी 4,000 की प्रोविजन भी है, हमारी 4,000 की ओपनिंग प्रोविजन जीरो, क्लोजिंग प्रोविजन 4,000, तो प्रोविजन बढ़ गई, तो 4,000 ये बैड डेट्स में भी जाएगा। ये हमारा एक्सपेंस है बेसिकली। अब इधर इसका या तो ऐसा करो, इनको नेट करो तो 1,000 नेगेटिव आएगा। अब इसको नंबर ऑफ मेथड्स हैं प्रेजेंट करने के, या तो ऐसा करो 4,000 एक्सपेंस में लिख दो, 5,000 इनकम में लिख दो, 4,000 एक्सपेंस में लिख दो, 5,000 इनकम में लिख दो, नंबर वन। नंबर टू इनको नेट करो, आ जाएगा -1,000। या तो एक्सपेंस में से माइनस कर दो या इनकम में लिख दो, ये भी ठीक है। लेकिन डेटर में से सिर्फ 4,000 माइनस होना है, क्योंकि उसमें से तो कैरी करो जाकर माइनस होता है। फॉलो करने का मतलब क्या होता है, वो करना होता है प्रेजेंट का कैसे किया जाता है। इसका ना सॉल्यूशन का पेज मुझे बताया कौन सा है, सॉल्यूशन का पेज आइडिया है 206। क्वेश्चन नंबर बना हमारा 3। टू और थ्री ये आ गया। अब एडमिन एक्सपेंसेस आ गए हमारे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए उसने या तो क्या किया, 4,000 यहां पर अलग लिखा और इधर अदर इनकम में, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप इसी 5,000 को यहां पर माइनस कर दें, ठीक है, या इनको नेट करके जो 1,000 का डिफरेंस है, आपके इस नेट लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो आपको मार्क्स दिवाना है कि ये चीज ठीक लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, ये सारा ठीक लिखोगे तो 2.5 नंबर का है, ये 2.5 नंबर का, ये 2.5 नंबर का, ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, ये इसके नंबर लिखे हुए हैं साथ, जो गलत होगा सिर्फ उसके नंबर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? नहीं, उसके पास ये नंबर ऑफ ऑप्शन होती है, उस वजह से वो गलत नहीं करता। आंसर जवाब गलत आ गए तो नंबर मिलेंगे, जैसे आपकी सेल्स ठीक है उसका 1 नंबर मिलना है आपको, जो ब्लॉक्स आपने ठीक फेल किया उसके नंबर आपको। बेसिकली आईकैप ने ये काम ही इसलिए किया, ऑपरेटिंग लॉसेस में जरूरी नहीं कि यही निकले, वो इस चीज को देखेगा, उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शन होंगी, कोई मसला नहीं। नेट प्रॉफिट की तरफ वो देखता है, नेट प्रॉफिट अगर आपका ठीक है तो इसकी वजह से कोई मसला आ जाए, क्योंकि आप देखो ना इसने लिखा हुआ है बैड डेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में, कुछ लोग उसको एडमिन एक्सपेंस में भी लिखते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि कोशिश हम करते हैं कि आईकैप के फॉर्मेट को फॉलो करें। तरीका का तो वही है, बैड डेट्स रिकवर्ड के दो जगह, या फार्मूले में एडजस्ट कर लो या अदर इनकम में लिख, इन दोनों में से आईकैप ने दोनों मेथड खुद दिए हुए हैं, तो जहरी सी बात है अगर एक बंदे ने उसको बैड डेट्स के साथ ही एडजस्ट किया तो उसके बारे में पता तो होगा ना। चलें जी, चलो वापस चलते हैं हम अपने पेज पे। हाँ जी पूछें, एडजस्टमेंट नंबर फोर, एडजस्टमेंट नंबर फोर, ये तो बहुत ही पीछे आ गया। पेज क्या था? 167। हाँ जी, किस सवाल की एडजस्टमेंट है? क्वेश्चन नंबर 3 की बताएं, एडजस्टमेंट नंबर 4, 1, 2, 3, 4, ये वाली। ये 2,000 से अकाउंट रिसीवेबल से माइनस करेंगे, 2,000 से अकाउंट पेबल से भी माइनस करेंगे, ये काउंटर एंट्री है ना जी।
वो भाई ये काउंटर एंट्री है, काउंटर एंट्री लोअर अमाउंट से उनकी एंट्री पास करते होते हैं काउंटर सेटलमेंट में, उसका कुछ भी नहीं करना हमने, हमने एंट्री पास करो ना अकाउंट पेबल टू अकाउंट 2000 से सेटलमेंट करो, और 1000 पहले से उसमें मौजूद है वो रहेगा, 2000 निकल जाएगा उसमें से। हमने सेटलमेंट कितने की करनी है 2000 से, तो अकाउंट पेबल से भी 2000 माइनस अकाउंट रिसीवेबल भी शुरू। ना 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 ना, हमने लोअर उनमें से जाकर ये माइनस करते हैं। और कोई एडजस्टमेंट या एंट्री खत्म? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, 5। वो आप बोल दो या तो लायबिलिटी में लिख दो या जो बैंक का बैलेंस है उसी में से एडजस्ट करके लिख दो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। वैसे तो फाइनल अकाउंट इतना अच्छा टॉपिक होता है कि जब बंदे का सही हो रहा हो तो बंदे का दिल करता करी जाए और फंस जाए तो फिर खत्म। चलिए आप जरा खामोशी, एक इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करें, स्माइल स्टेशनरी शॉप है, यानी बिजनेस किस चीज का है, और ऊपर से आपका टाइम भी कितना है 9 मंथ, और ये डेप्रिसिएशन वगैरह फाइंड करनी हो तो उसको 9/12 से मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको। जितने टाइम, पहली बात 12 महीने से ज्यादा बन नहीं सकता, लेकिन 12 महीने से कम बन सकता है। वो कब बनता है, जब पहला पहला साल हो, जब बिजनेस शुरू हो ना, आपने शुरू ही अगर 2-9 महीने पहले किया तो वो 9 मंथ से पहले वो 9 मंथ का बन जाएगा, फिर आगे हर साल का बनता जाएगा। और जब बिजनेस शुरू होता है, ये देखिए स्टार्टेड बिजनेस, अगर शुरू बिजनेस आपका हुआ है तब ओपनिंग स्टॉक भी नहीं होगा आपका। ये बात हमने पहले भी सीखी थी कि जब बिजनेस शुरू होना तो उसका ओपनिंग स्टॉक। और जरा हमारी ना स्पीड शुरू हुआ है, दो दो सवाल कम लग रहे हैं, तीन तीन होते हैं ना तो वो जल्दी खत्म होके हमने, क्योंकि फाइनल असाइनमेंट पे जाना है। कैपिटल कैरेज आउट कैरेज इन रिटर्न इन रिटर्न ड्राइंग्स अकाउंट पेबल रिसीवेबल प्रेमिसेस बिल्डिंग को कहते हैं, जनरल ज्यूरिडिकल एक्सपेंस ऑफिस डिलीवरी एक्सपेंसेस इंश्योरेंस वेयर हाउस रेंट सैलरी वेजेस परचेज। चलो जी, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, ऑफिस एक्सपेंस इंक्लूड प्रीपेड ऑफिस, क्या करोगे माइनस करके करंट एसेट, इसकी तो एंट्री भी पास करने की जरूरत तो नहीं है। वेयर हाउस रेंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर अमाउंटिंग 6000, आउटस्टैंडिंग है तो रेंट में ऐड करंट लाइबिलिटी। बैड डेट्स 5000, एक्सपेंस में भी लिखेंगे डेटर में से भी माइनस करेंगे क्योंकि एडिशनल है, ये एडजस्टमेंट वाले हैं, एक्सपेंस में या वो फार्मूला ये एक्सपेंस में भी जाएंगे। और डेप्रिसिएशन चार्ज और प्रेमिसेस एक्सपेंस में, प्रेमिसेस में से माइनस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8000, ओपनिंग है कोई, अगर ओपनिंग होनी नहीं है तो ये सारी के सारी इंक्रीज इन प्रोविजन हुई, तो बैड डेट्स 5000 प्लस प्रोविजन 8000, और ये दोनों डेटर से माइनस होंगे क्योंकि ये कैरीड ऑन है, दूसरा एडिशनल बैड डेट्स है। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड 40% ऑफ द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द ऑनर पर्सनल पेमेंट, जनरल एक्सपेंस के अंदर 40% ड्राइंग्स हैं, तो क्या करोगे उधर से माइनस कर देंगे और ड्राइंग्स में जाकर ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कवरिंग 16 मंथ वाज पेड इन एडवांस 32,000 ऑन जनवरी, हमारा तो साल बनता ही 9 मंथ का है तो ये सारे 16 महीनों के हैं, तो इसमें एडवांस कितना हुआ ऐड करेंगे जनरल एक्सपेंस में से, ऊपर जनरल एक्सपेंस के अमाउंट गिवन है। हाँ जी, आपने इंश्योरेंस कितनी है, वो कहता है पेड इन एडवांस 4 रुपीज दिस ऑन जनवरी 1, 32,000 है 16 महीनों की, इसमें एडवांस कितनी है, फर्स्ट जनवरी को पे किया है 7 महीनों की हुई ना, 9, 7, 16, तो 7 महीनों की एडवांस हुई ना मल्टीप्लाइड बाय 7, तो कितना आंसर आ जाएगा, इसमें से 14,000 एडवांस है, तो एडवांस का हम क्या करते हैं एक्सपेंस में से माइनस करंट एसेट। गुड्स रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर 10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द स्टॉक, स्टॉक के अंदर आ गई है लेकिन हमने उसकी एंट्री नहीं पास की,
तो एंट्री क्या पास करते हैं सेल रिटर्न की, सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल कितने से 10,000 से। लो मेरे भाई 10,000 सेल रिटर्न में ऐड कर देंगे, सेल में से माइनस कर देंगे और 10,000 अकाउंट रिसीवेबल्स पे स्टॉक के अंदर वापस आ गई है, वो हम दोबारा स्टॉक के अंदर प्लस नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉक के अंदर तो मौजूद है, सेल रिटर्न स्टॉक के अंदर आ जाती है ना, तो कहते हैं उसमें शामिल है। ठीक है, खत्म होगी बात। ये तो आसान से है, तो मजे का सवाल अभी आ नहीं रहा अभी तक। मजे का सवाल ये होता है कि बंदे के 10-12 घंटे लगे फिर भी ठीक ना हो, फाइनल अकाउंट उसे कहते हैं। बोरिंग नहीं होता, चैलेंजिंग होता है, अपनी सोच चेंज करो। कैपिटल कैश ट्रेड पेपर रिसीवेबल प्लांट कमीशन, कमीशन क्रेडिट साइड पर है, इनकम है, बैंक रिटर्न अक्यूमुलेटेड एक्शन। चलो कुछ तो नया आया, सिक्स कर रहे हैं, हाँ तो 5-6 करना है, पांचवा पढ़ लिया तो आप छठा नहीं करना। एक खुदा इश्क है रोता है क्या, अभी तो हफ्ते दो पढ़े हैं एग्जाम। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, चलो जी बोर्डन भी आ गया प्रोविजन का। ड्राइंग सेल्स परचेज सैलरी रेंट ओपनिंग स्टॉक गुड्स कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिस एनआरवी दिस, किस पे लिखोगे, लोअर पे। इज दैट टेक परचेज गोज 2000 ऑन क्रेडिट इन द मंथ ऑफ जून बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स, तो इसकी क्रेडिट एंट्री पास करो, एंट्री आपको बचाएगी सारी जिंदगी। आपने एक एंट्री परचेज डेबिट अकाउंट पेबल, तो परचेज में भी प्लस कर देना और अकाउंट पेबल में भी जाकर प्लस कर देना, क्योंकि आप एक लिखना ही भूल रहे हो, तो परचेज में भी प्लस, और इससे आपका ट्रायल बैलेंस ऊपर देखो टैली है, वो उसने कहा था ना एरर ऑफ ओमिशन से ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस आपका गलत है क्योंकि उसके अंदर ना परचेज में 2000 ऐड हुआ हुआ ना अकाउंट पेबल में 2000 ऐड हुआ। अक्रूड कमीशन, कमीशन में ऐड करंट एसेट, रेंट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, रेंट में ऐड करंट लायबिलिटी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स इंक्रीज्ड बाय 1000। ब्रॉडन कितना है भला पता है, ब्रॉडन कितना ऊपर देखो जरा। अच्छा आपने किताबें बंद कर दी है, 2318 23 तो कैडन कितना हुआ 33। अब इंक्रीज हुआ 1000 से, ये तो चल जाएगा बैड डेट्स में, और डेटर में से क्या माइनस होगा 3318। डेप्रिसिएशन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अक्यूमुलेटेड एक्शन माइनस करके 10% लेंगे, फिर जो 10% आएगा एक्सपेंस में भी जाएगा और एसेट में से भी माइनस होगा। बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर 2000 वर क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट, लाओ जी कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड हुए थे, बैड डेट्स रिकवर्ड हमने कमीशन के अंदर लिख दिए, तो कमीशन में से माइनस कर देंगे और बैड डेट्स, अब वही बैड या तो बैड डेट्स में से माइनस करके लिख दो या अदर इनकम में लिख, अब ये देख लेना कि उसने अदर इनकम में लिखा है तो फिर हम भी आगे से अदर इनकम में लिख लिया करेंगे, लेकिन हमने इसका चैप्टर भी पढ़ना बैड डेट्स का, उसमें अदर इनकम में नहीं लिखा जाता। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीन, लॉ मेरे भाई परचेज के अंदर एक ऐसी मशीन शामिल है जो कि है मशीन लेकिन परचेज में शामिल है, परचेज में से माइनस कर देंगे और नॉन कंडक्शन में इसकी डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, हालांकि मशीन है, मशीन के डेप्रिसिएशन लेते हैं क्योंकि ये खरीदी ही जून के अंदर 20 जून के 10 दिन की क्या डेप्रिसिएशन लेनी है, क्योंकि 30 जून तक हमारा साल एंड हो रहा है, तो 10 दिन की एंट्री पे रहने देते हैं, या अगर देने पे तो 10/360 या फिर पूरे महीने की डेप्रिसिएशन ले लो। चलें जी सातवें पे नहीं जा रहे, टेंशन ना ले। अब आपने ना ये काम करना, बल्कि कुछ हासिल करने के लिए आपने कल वाला सवाल आपके पास इस फॉर्मेट में होने चाहिए, प्रिंटेड आप जैसे जो मर्जी जैसे अरेंज करो, ये आपके ये प्रिंट लो, इसके प्रिंट के ऊपर आपका ये सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, चाहे तो डबल प्रिंट ले लेना अभी के लिए और बाद के लिए, यानी एक दफा तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, फिर बाद में भी तो एक दफा करना ही है।